कोई भिन्न नहीं है। सब स्त्री के अंदर माँ जगदम्बा का वास है और उन्हीं पे मैं तो आप सब पे वही चीज दर्शन कर लेती हूँ। लेकिन आपका जो स्नेह था स्नेह और कुछ अपना जो इसी स्नेह से जो संबंधित ताना पानी था हमको आज यहाँ बुला लिया, तो हमको बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। और भैया जी का स्नेह आपका स्नेह आपका सबका जो हमको वहाँ पे मिले थे सारे लोग गुप्त काशी में जो मिले थे आप वहीं से कुछ हमारा रिश्ता यहाँ का आप सबसे होगा। ये जो इनका स्नेह उनका भाव ने यहाँ पे बुला लिया तो माँ जगदम्बे का और आपके राधा माधव जी का बड़ी कृपा है। प्रेरणा कई प्रकार से होता है, किसी को भगवान की तरफ आना है या भगवान के भक्ति में आना है तो कई तरीका से आपको जो है इसका प्रेरणा मिल सकता है। जो हम अपने जो हमारी जन्मभूमि थी मेरे जन्मभूमि जर्मनी उसमें जो ईसाई धर्म को मानते हैं, अभी तो आजकल में लोग इतना किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं सही बता रही हूँ, लेकिन उस समय फिर भी लोगों के अंदर था ये चीज। तो हमारे अंदर ये बचपन से कुछ भावना आ गई अपने जी हमारी नानी जी और दादी जी दोनों माँ मतलब वो भी भगवती का स्वरूप है मदर मैरी जिसको बोलते हैं ईसा मसीह की माँ जो मानते हैं। तो मेरे देखने से वो भी एक वही जगदम्बा का अलग आदिशक्ति का अलग स्वरूप है। तो वो दोनों इनको भजन करते थे, इनका माला जाप करते थे इनके नाम से। तो ये सब चीज देख के हम बचपन से आकर्षित हुए थे, हमको बचपन से ऐसे लगा कि हमको भी ऐसे करना चाहिए। हमको वहाँ पे फिर उन्होंने भी मना किया, मेरी माँ ने भी मना किया, बोले नहीं ये सब बचपन में नहीं होता है। इससे हम लोग सोचते थे कि पता नहीं कहीं उसमें जैसे यहाँ पे कोई ज्यादा भक्ति भाव में जाता है कोई बच्चा तो माता पिता सोचते कि कहीं साधु ना बन जाए, साधु बन के घर को छोड़ के ना जाए, ऐसे वहाँ पे सोचते थे कि उसमें एक मोनेस्टरी होती है, ऐसे बहुत कम लोग इसमें जाते हैं। लेकिन फिर लोगों को लगता है ये कहीं उस तरफ ना जाए, तो ऐसे हमारे साथ भी हुआ। लेकिन जब उसके बाद में हिंदुस्तान आ गए थे तब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने लोग इस भक्ति भाव में रहते हैं, उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इतना गहरा लोगों का विश्वास है, गहरी जो है आस्था है और इस प्रकार की संस्कृति है। तो मेरे को यहाँ बहुत एक अलग अनुभव हुआ, मतलब एक ये सब चीज को देख के बहुत एक प्रकार से कंफर्टेबल फील हो गया कि यहाँ पे ये चीज मतलब सबके अंदर है और आम मतलब जनता मतलब हर कोई इस तरफ हर कोई जो है मतलब मैं अभी भी समझ रही हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को हृदय से मानते हैं, चाहे वो मुंह से बोले ना बोले। जो नास्तिक लोग मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कम है, बहुत लोग चाहे वो दिखावा करे ना करे, बाहर से दिखे ना दिखे, फिर भी अगर इन पे ऐसे कोई समय होता है तो अंदर से भगवान को पुकारते हैं। तो ये चीज में ये सब चीज देख के मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे अपनापन जैसे लगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज मतलब लोगों के अंदर खून के अंदर है, खून के अंदर ये चीज विराजमान है। तो मेरे को ऐसे लगा कि जब हम आ गए थे कि मुझे यहीं पे रहना चाहिए, यहीं पे इसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो समझो ये पहले से हमको ऐसी प्रेरणा मिल गया और जब हिंदुस्तान आ गए थे तो ये चीज गहराई में चले गया। फिर उसके बाद में हमको अपने जन्मभूमि में
अच्छा नहीं लगा। गए थे वापस, गए थे पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन मन नहीं लगा थे वहाँ पे। ऐसे लगा कि इस भूमि में, इस वातावरण में, इस इन मतलब एक प्रकार का एक एनर्जी है जनरल, जिसको तरंगा बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं, यहाँ के तरंगे कुछ और हैं, पश्चिमी देशों के तरंगे बहुत अलग हैं। तो यहाँ के तरंगे, यहाँ के एनर्जी में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के वाइब्रेशन में मेरे को बहुत एक आकर्षण हुआ था। फिर मैंने सोचा कि हम पहले से, बचपन से हम जंगल में जाना, जंगल में घूमना, जंगल में अकेले बैठना पसंद करते थे। तो मेरे को अंदर ऐसे लगा कि मुझे कहीं पहाड़ में जाके साधना करना चाहिए, किसी गुरु महाराज के सन्निधि में। तब जो है माँ जगदम्बे मेरे को वहाँ का रास्ता दिखा दिया। तब काली शिला पहुँच गए। बहुत अलौकिक गाथा है, माँ ने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो हमें कहा, माँ का इंटरव्यू लिया है हमने, माँ अपना इंटरव्यू, माँ के इंटरव्यू लेने बहुत बहुत लोग आए, बहुत बहुत लोग आए इंटरव्यू लेने। माँ प्रोफेशनल इंटरव्यूज माँ को प्रिय है नहीं। अब माँ से हमने भगवत चर्चा के बारे में, माँ हम सारी बातें पूछेंगे, अब बस आप ये मत ध्यान दीजिए कैमरा चल रहा है। आज देखिए तो उसे लाखों लोगों ने देखा है और लोग इतने प्रभावित हुए उससे, कैसे इन्होंने अपनी यात्रा कहा, कालशिला कैसे पहुंची, आप लोग भी उसे जरूर देखिएगा। माँ का एक कीर्तन भी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है भगवत कृपा से, हजारों लोग देख चुके हैं उसे, और वो कीर्तन है माँ माँ की परम आराध्य। देखो मदर डेयरी से बचपन से लगाव था, और एक दिन माँ भगवती जगदम्बा पराशक्ति तक कैसे पहुंची, इसका मतलब इनके हृदय में बचपन से ही मातृ तत्व से प्रेम था, महादेव से बहुत प्रेम था। ऐसे अनजान जंगलों में अकेले अकेले जाना, भारत में जहाँ शेर चीते और अनजान देश, यहाँ की भाषा भी ना आती हो, लोगों को भी ना जानती हो, और भगवान की खोज में यहाँ आ गए हिमालय में, तो देखो कैसे कैसे महादेव ने अचानक हृदय में प्रेरणा करके ऐसे आओ, कैसे रास्ता बताना है, सब रास्ता बताना, क्या क्या चीजें हुई, और कितना निर्भयता, कितनी निर्भयता, भगवान पे कितना विश्वास, इससे माँ का जीवन युक्त है। माँ की हिंदी कैसी लगी आप लोगों को, कितनी प्यारी हिंदी बोल रहे हैं ना। चलिए माँ का गायन भी सुनिए। और माँ ने एक माँ यहाँ की हिंदी के मुहावरे बड़े अच्छे बोलती है, एक दिन ऐसे कोई बैठे थे हुआ है, तो माँ ने कहा आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कर, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कर। ये मेरी गुरु जी का ही शब्द है, गुरु जी बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं आओ तो वेलकम, भीड़ कर। तो माँ ने हमें बोल के सुनाया तो हमें बड़ा अच्छा लगा, माँ आप तो यहाँ के मुहावरे बोल लेते हैं, सही है ना। माँ अंग्रेजी शब्दों का कम से कम प्रयोग करती है, यहाँ हम लोग अंग्रेजी बोले बिना मानते नहीं है, है बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अब माँ का और हम माँ के मुख से माँ की स्तुति सुनते हैं। जय जय।